हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको लेके आया हूँ गंगाराम जी की दूसरी ब्रांच पे। जैसे कि बांधवगढ़ के अंदर एक ब्रांच है, तो एक ब्रांच हमारे पश्चिम बिहार के अंदर भी आ चुकी है और जस्ट मेरे बैक साइड में चलते। अब आपको बांधवगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको सीधा पश्चिम बिहार आए और बांधवगढ़ वाले पकौड़े आप यहीं पर टेस्ट कर सकते हैं। सारा मटेरियल वहीं से आता है, सारी जो चटनी मटेरियल जितना भी सब बांधवगढ़ से आ रहा है। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पूरी शॉप। अभी फिलहाल ये शॉप है यहाँ पर पूरी गंगाराम जी की, आप जैसे 72 साल पुराने हैं। यहाँ पे पूरी इनकी शॉप है, इनका सारी वैरायटी है, वही सारे पकौड़ों की वही सेम वैरायटी है जो वहाँ पे सारी मिलती है। ये हमारे साथ शेफ भैया हैं आपके, जो पूरा ये संभालते हैं। अभी हम इनसे मुलाकात भी करेंगे। तो देख सकते हैं ये पूरा है और यहाँ पे स्टैंडिंग के लिए बाहर टेबल है और यहाँ पे सीटिंग है, ऊपर सीटिंग भी है कि बैठ कर आराम से किसी को खाना हो तो खा सकते हैं। पूरी गाड़ी ला के पार्क करने की सुविधा है आपके यहाँ पे, पूरा मेन रोड है तो आप अपनी गाड़ी को भी यहाँ पार्क कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप इंजॉय कर सकते हैं इन पकौड़ों को। तो मैं अब आपकी शेफ भैया से बात कराता हूँ और चलते हैं आगे। हाँ जी भैया, नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। हाँ जी, आपका नाम क्या है भैया जी? प्रिंस शर्मा। अच्छा, आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया भैया जी? मुझे सर अभी 2 महीने हुए। 2 महीने हुए इस ब्रांच को खोले हुए? 2 महीने हुए आपको दिल्ली में? वैसे आप पहले क्या गंगाराम जी के बांधवगढ़ में काम करते थे? मेरे पिताजी। अच्छा, गंगाराम। अच्छा, आपके पिताजी गंगाराम, आप उनके बेटे हो? ठीक है, ये उनके सन है। तो मैं आपकी इनसे मुलाकात कराता हूँ और इनसे पूछते हैं यहाँ पे क्या क्या ब्रांच में क्या क्या इनके पास आइटम है, सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। हाँ जी, आप बताइए आपके यहाँ पास कौन कौन से पकौड़े हैं सर? जैसे पनीर हो गया। हाँ जी, ये पनीर पकौड़ा सर। हाँ जी, हाँ जी, ये प्याज है। हाँ जी, कमल ककड़ी है। हाँ जी, सोयाबीन चाप है, मिर्ची है, आलू के, गोभी के, पालक के, मतलब जितने भी बांधवगढ़ के गंगाराम जी के पास वहाँ पे हैं उतने सारी वैरायटी यहाँ पे। ये सारा मटेरियल वहीं से आ रहा है? नहीं सर, वहीं से आते सर। सारा मटेरियल वहीं से, चटनी वटनी पकौड़े वगैरह सब वहीं से आते हैं सर? वहीं से आते सर, सब कुछ वहीं से आते हैं। अच्छा जी, अब मैगी पकौड़ा, शिवकॉर्न पकौड़ा सभी वहीं से, मैगी पकौड़ा वगैरह सब आपके पास? काफ़ी अच्छा। और आपके यहाँ मेन्यू वगैरह है सर? मैंने अभी लिस्ट अभी मैंने तो अभी बना लिया। अच्छा, मेन्यू भी नहीं बना क्योंकि अभी 2 महीने हुए, तो अभी मेन्यू नहीं बना है, जल्दी बन जाएगा। तो आप हमसे रीजनेबल प्राइजेस है, कोई इतना इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है ऐसी। तो आप एक बार यहाँ आए, ट्राई करें। अब आपको बांधवगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा पश्चिम बिहार के अंदर भी आके पकौड़ों का आनंद ले सकते हैं, वही बांधवगढ़ वाले। एड्रेस बताइए एक बार। इंदर इनकलव पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार, पिलर नंबर मेट्रो, पिलर नंबर 313। 313 मेट्रो नंबर 313 है, दिल्ली रोहतक रोड। दिल्ली रोहतक रोड के ऊपर है ये दुकान, तो काफ़ी अच्छा है। तो आपके पकौड़े हम ट्राई करते हैं और पब्लिक को बताते हैं कैसा टेस्ट है। ठीक है, धन्यवाद भैया। तो जैसे कि हमारी पूरी प्लेट लग चुकी है और चटनी देख सकते हैं कितनी बढ़िया, अनार के दाने हैं, केला है इसके अंदर पूरा, और चटनी बहुत बढ़िया लग रही है देखने में। और पकौड़े यहाँ देख सकते हैं आप, 12 किस्म के पकौड़े आए हैं यहाँ पे। इसके अंदर काफ़ी सारी वैरायटी है, चाप का पकौड़ा है, पनीर का पकौड़ा है, प्याज का पकौड़ा, काफ़ी सारे पकौड़े। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, जैसे चाय भी हमारे पास में, तो काफ़ी बढ़िया ये डील होने वाली है, और ट्राई करते हैं। बिल्कुल वही टेस्ट आपको मिलेगा जो बांधवगढ़ के अंदर है। जैसे आप देख सकते हैं, पहला मैंने लिया पनीर का पकौड़ा, जैसे तो पूरा अंदर फीलिंग है पकौड़े की, जैसे बांधवगढ़ के अंदर आपको पूरी फीलिंग मिलती है, कोई इसमें वो नहीं है कटौती, पूरा वही है। तो हम चटनी लेते हैं, देखते हैं तो टेस्ट वैसा ही है या नहीं है। चटनी बहुत लाजवाब है, बहुत बढ़िया फ्लेवर दे रही है चटनी। और ये ग्रीन वाली मिंट वाली चटनी है, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अभी पीस के बनाई हो, इतना इसके अंदर मतलब टेस्ट इतना अच्छा आ रहा है, अभी ताज़ी चीज़ का पता लगता है। तो आपको चाप का पकौड़ा दिखाते हैं, तो पूरी चाप का ये पकौड़ा है, इसको कट कर लेता हूँ। पूरी चाप ये अंदर से, और अंदर चाप के अंदर भी मसाला है, उसको कितना अच्छा फ्लेवर आने वाला है। बहुत बढ़िया है, सामने बिल्कुल ओपन है, अच्छे से आपको व्यू दिखेगा बाहर का, गाड़ियाँ आ रही जा रही है, और बिल्कुल खाने में आपको आनंद आएगा। अगर आप अपनी गाड़ी में आओगे, बैठ के एसी चला के आराम से खाओ, फुल एंजॉय करो, बिल्कुल वही है। उल्टा बांधवगढ़ जाने में आपको टाइम लगेगा, पर यहाँ आने में टाइम नहीं लगेगा। ये देख सकते हैं, ये अंदर आलू का है, पूरा इसके अंदर आलू है भरा हुआ, देख सकते हैं पकौड़े के अंदर पूरा आलू भरा हुआ है।
वही टेस्ट है, वही टेस्ट है जो बहादुरगढ़ के अंदर है। मेरे कहने से एक बार आप यहाँ आओ, ट्राई करो, आपको निराशा बिल्कुल भी नहीं होगी यहाँ आने के लिए, आपको बहुत बढ़िया मज़ा आएगा, काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करके जरूर जाना। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पैक करा रहे हैं और लेके जा रहे हैं, तो फिर मिलते हैं आगे।